मौजूदा यूरोप का एक बड़ा मशहूर शहर, आज उसका नाम बदल दिया गया है, बड़ा मशहूर शहर मदीने से मुसलमानों की फौज निकली और अल्हम्दुलिल्लाह लम्हे भर में ईसाइयों को शिकस्त दे करके पूरे मुल्क पर कब्जा किया और इस्लामी झंडा लहराया। और उस वक्त लड़ने वाले ईसाइयों को जो कैदी बनाया गया तो एक रस्सी में बांध बांध करके मुजाहिदीन को कहा गया इनको उठ लो और यहां से उठाओ मदीने तक पहुंचाओ ले जाओ। अल्लाह अकबर, बड़े माल गनीमत हैं, इस तरह से गुलाम और बांदियां बड़े फातिहाना अंदाज से मुसलमान आ रहे थे। लेकिन जुबैर बिन नुफैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ऐसे नाजुक ऐसे खुशी के मौके पर हमने देखा कि हमारे उस्ताद सहाबी जलील अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हु नजर नहीं आ रहे हैं। कहने लगे मैंने ढूंढना शुरू किया कि अभी हमको नजर आए थे लेकिन अभी अबू दर्दा थोड़ी देर में अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सहाबी रसूल की तलाश शुरू की, इधर दौड़ा उधर भागा, यहां गया इनसे पूछा, हर एक यही कहता है भाई अबू दर्दा बहुत देर से नजर नहीं आए हैं। ये सहाबी रसूल थे, ये लोग जानते थे कि हमारे हालत ज़ार क्यों होती है, हमारी तबाही बर्बादी के असली असबाब क्या हैं। जुबैर बिन नुफैर कहते हैं मैं ढूंढता हुआ गया तो एक जगह हमने देखा सारे लोग खुशी मना रहे हैं, हम माल गनीमत देख रहे हैं और गुलाम और कैदियों को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। लेकिन सहाबी रसूल अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला ने एक किनारे बैठ करके जारो कतार रो रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं, इस कदर रोए और इस कदर उनकी हालत खराब हो गई, कहते चलने फिरने के लायक ना रह गए। कहते मैं बैठ गया, हजरत आज हमारे लिए खुशी का मौका है, यूरोप के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत शहर को अल्लाह ताला ने फतेह किया, आज यहाँ इस्लामी झंडा लहराया, हम लोगों को अल्लाह ताला ने ये गलबा अता किया, ये इतने कैदियों को हमने गिरफ्तार किया और इतनी वादियां हमने पकड़ रखा है और इस तरह से माल दौलत खजाने और माल गनीमत हम लेकर के जा रहे हैं। हजरत आप तो खुशी का मौका है, आप रो क्यों रहे हैं? अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला ने कहते हैं हमें रोना इस बात पर नहीं है, फतुहात पर मुझे भी खुशी है, इस गलबे पर मुझे भी खुशी है, हम दाखिल हुए थे इस लाइफ ऐ झंडा लहरा रहा था, हम मुसलमानों ने लड़कर के जिहाद के जरिए उस झंडे को गिराया, इस्लामी झंडा आज हमारा लहरा रहा है, ये हमारी सारी खुशी है। लेकिन रोना हमें इस बात पर है कि नहादिल उम्मा, ये कौम जो इस शहर के अंदर आबाद थी, एक जमाने से दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे बाइज्जत, सबसे मालदार, सबसे कुव्वत वाली ये कौम थी, सबसे ज्यादा खुशहाल ये कौम थी, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह की नाशुकरी किया और अल्लाह उसके रसूल के हुदूद को तोड़ा तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने मदीने से ला करके इन पर गलबा अता किया और लम्हे भर में इस पूरी कौम को हमने शिकस्त दे दिया। आज इस्लाम ने जब इसे फतेह कर लिया, हम अपने मुसलमान भाइयों को यहां आबाद करके जा रहे हैं, रोना इस बात पर है कि आज जो मुसलमान कौम फातिहाना अंदाज से यहां दाखिल हुई है, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की वजह से, अल्लाह ताला के तात और फरमाबरदारी की वजह से, रोना यह है कि कल हमारी ये नस्ल जो है ये भी अगर दीन को छोड़ देगी तो जैसे अल्लाह ने इस कौम के दीन को छोड़ देने के बाद हमको इनके ऊपर मुसल्लत किया, हमने इनको कैदी बनाया है, कहीं ऐसा ना हो ये मेरी नस्ल आगे चल करके बदअमल बदकिरदार कुफर और शिर्क में मुबतला हो जाए, हराम कारियों में मुबतला हो जाए तो अल्लाह किसी दूसरी कौम को भेज करके मेरी इस कौम पर मुसल्लत करेगा। हमारी औरतें होगी, हमारी माए होगी, हमारे नौजवान होंगे जो दुश्मनान गिरफ्तार करके वैसे ले जाएंगे जैसे आज हम इनको लेकर के जा रहे हैं। असल में रोना इस बात पर है, इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। आप दुनिया को छोड़ दें, आप इसी अपने मुल्क को जरा देखें, जब तक हमारे यहाँ सदाकत थी, अमानत थी, मस्जिदें आबाद थी, तकवा परहेजगारी थी, पूरे हिंदुस्तान पर हमें अल्लाह ने गलबा अता कर रखा था, लेकिन जब हम हर काम कदम पर इस्लाम को पसंद करते थे, लेकिन हमने जब देखा वह जमे तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान है जिसे देखकर शर्माए यहूद, जब हमारी हालत ये हो गई, अब आदमी इतना डरबुजदिल हो गया, वो अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा है दादा ने, तो सोचता है कि नहीं
इस नाम रखने से बड़ा खतरा है, इसलिए इसको बदल के क्या रख दो, यूसुफ को जोसेफ रख दो, ताकि पता ना चले कि ये मुसलमान है। जब इस कदर हम जलील और ख्वार हो गए, अपना नाम मुसलमान रखना भी हमें झिझक महसूस होती है, हम अपने आप को मुसलमान जाहिर करने में भी अपनी अंसर समझ रहे हैं। आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका है अपने आप को मुसलमान कहलाने और इस दुनिया में अपने आप को मुसलमान जाहिर करने में खौफ सना या अपनी इंसल्ट और तौहीन समझ रहा है। और हशर क्या होता है, वही हमारे दोस्त मोहतरम मौना मदनी ने जो बयान किया है, सब साफ है। क्यों नहीं भाई, इसको रखने से लोग समझ लेंगे मुसलमान है तो काउंटर पर धक्के दे देंगे, ट्रेन में परेशानियां हो जाएंगी, सफर में ये मुश्किलात आ जाएंगी। तो अल्लाह ने क्या किया मालूम है, इशारा किया शेख ने, हमने अपनी जाहिरी शक्ल सूरत को छोड़ दिया, कहीं रास्ते में मौत आ गई या तो बगैर जनादे के, नहीं तो नंगा करके देखेंगे। अब देखो मुसलमान है कि तुमने क्या समझा था कि एक सुन्नत को छोड़ करके हम कामयाब हो जाएंगे। सुन्नत को तुमने छोड़ा, तुम्हारी इजार भी दुश्मन उतार लिया करता है। सिर्फ दाढ़ी निकालने से खतरा से नहीं बच सकते, कम से कम मेरे भाई मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। तो और देखकर रहा था कि हजरत अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। ए लोगो, अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपनी हालत को ना बदल डाले। क्या मतलब है, अगर इंसान अल्लाह ताला का शुक्रगुजार है, अल्लाह ताला ने माल से, दौलत से, हुकूमत से, गलमा से हैं? और इसी तरह से तिजारत और कारोबार खुशहाली से अल्लाह ताला ने आपको नवाज रखा है, तो अल्लाह ताला आपकी खुशहाली को बदहाली में, हाकिम को महकूम में, गालिब को मगलूब की शक्ल में उस वक्त तक नहीं तब्दील करेगा जब तक कि आप दीन को छोड़ करके बेदीन ना हो जाए। और अगर आज आप हमारे ऊपर सारी मुसीबतें आ रही हैं बेदीनी की बिना पर, हमारे किस्ब और झूठ हरामकारी की बिना पर, नाजायज कामों की बिना पर, किताब और सुन्नत को छोड़ देने की वजह से आज अगर हमारे ऊपर बलाए आफतें आ रही हैं, तो सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। क्यों, दुआएं तो माशाल्लाह दुनिया के सबसे मुकद्दस शहर में कितनी मिनट होती है, कितनी मिनट, एक घंटा, और माशाल्लाह पाकिस्तान रायविंद में डेढ़ घंटा, आई बात समझ में, और बांग्लादेश में दो घंटे। खुद अपने हैदराबाद शहर में जरा देखें कितनी लंबी लंबी दुआएं हो रही हैं, यहां तक कि अल्लाह को नोच लेने का दावा किया जाता है। अल्लाह मुझे मालूम तू फला जगह बैठा तो आगे चिमट जाता तुझसे। दुआएं तो बड़ी अच्छी हो रही है लेकिन इस्लाह नहीं हो रही है, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता। जब मैं कहता हूं अल्लाह हमारा हाल देख, हुक्म होता है कि बंदा नाम है आमाल देख, अपने किरदार और अपने गुफ्तार को बदलने पड़ेंगे। हमारे ऊपर अगर ये बनाए और मुसीबतें आई हुई हैं, परेशानियां हैं, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हो, अब जब तक दीन की तरफ पलट करके नहीं आएंगे, बेदीनी को नहीं छोड़ेंगे, तब तक अल्लाह ताला इस जिल्लत को नहीं उठाएगा। हमें हदीस याद आई, बड़ी मशहूर हदीस है, सुनन अबी दाऊद की, मुसनद अहमद बिन हम्बल की, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सामने इरशाद फरमाया, इदा तबायातुम बिल ईनते व तबातुम अज़नाबल बकरी व रदीतुम बिज़रई व तरकतुमुल जिहादा सल्लतल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला ला यंज़िउ मिनकुम हत्ता तरजिउ इला दीनकुम। आपने सारे मसाइल हल कर दिए, हमारी जिल्लत के असबाब भी, और फिर हमें दोबारा सुर्ख रू होना है, तो वो भी अल्लाह के रसूल ने वादे कर दिया। हदीस को जरा गौर से सुनो, अल्लाह के रसूल ने साथ में, ए लोगो बम मार्केट का सारा निजाम मैंने सुधार दिया है, हमने सूद को दुनिया से, हमने सूद का खात्मा कर दिया है, और हमने जाहिलियत की तमाम चीजों को कदमों तले दफना दिया है। अब अगर दोबारा इदा तबाजा तुम बिल ईनते, जब तुम बे ईना करने लगो, क्या करने लगो,
عینہ ایک تجارت ہے اور یہ تجارت بھی سودی ہے. کیا خیال ہے شیخ عبداللہ؟ اس کو یہ کہہ سکتے ایک شکل ہے سود کی, سود کی, چونکہ اس کی شکل یہ ہوتی ہے. یہ ہم نے اپنی گھڑی ایک صاحب سے دیا, آپ کے ہاتھوں بیچا 500 میں, آپ قیمت نہیں ادا کر رہے ہیں, معلوم ہے قیمت نہیں ادا کر پائے گا. میں کہتا ہوں اچھا ایسا کرو 250 میں ہم کو دے دو. اب ہم نے کتنا لے لیا آپ سے, 500 پہلے کا اور 250